चलो आपस में प्यार से बात करते हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ मेरी प्यारी सी किटू, आ जाओ आ जाओ। ये ना बात, बस यहाँ पर बैठो आप। हाय फैम, दिस इज मी मोहम्मद ज़करिया फ़ारूक और आप लोग देख रहे हो मेरी एक नई वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को एक नई ब्रांड वीडियो में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन भी क्लिक करो ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोग को घंटी बजा के आप लोग को इन्फॉर्म करे। निकल आज बात इसी कि मैं जा रहा हूँ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री मेरा इंटर्नशिप पे था, जिसकी वजह आज मेरा 4 डेज इंटर्नशिप कम्प्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह आज मैं रुख्सती लूँगा और साथ में मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंडस्ट्री की साइड से। तो मैं खुश भी और फ़खर भी हूँ क्योंकि 40 दिन बाद फिर मैं जाऊँगा अपने घर, तो खुशी की बात भी है मेरे लिए और बहुत फ़खर भी महसूस हो रहा हूँ क्योंकि 40 दिन मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा गुजरा और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत कुछ मैं वहाँ से गेन कर चुका हूँ। तो मैं उन लोगों का बहुत मशहूर हूँ, वहाँ पर जो हेल्पर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनका जो रवैया था, उनका जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन था बहुत ही अच्छा रहा और साथ में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंडस्ट्री और हमारा टाइमिंग है इंडस्ट्री का 11 बजे से लेकर 5:30 तक हमारा इंडस्ट्री टाइमिंग होता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर शूट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर कैमरा लगा होता है और साथ में इंडस्ट्री में इंडस्ट्री की वजह से भी आता है, वहाँ पर हम वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आफ्टर 5:30 फिर हम आप लोगों के साथ मिलूंगा, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग थोड़ा वेट करो। मैं मौजूद हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी की मेन रोड पर, गाड़ियाँ जा रही है तो मैं रोड क्रॉस करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल मेरा फोकस जो है वो बिल्कुल रोड पर है और गाड़ियों पर है ताकि वो मुझे टक्कर ना मारे, क्योंकि रोड में बहुत केयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं अपने आपकी तरफ कैमरा को नहीं ला सकता, ऐसे ना हो कि रोड एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि बहुत केयरफुल होना चाहिए इस जगह पर। और अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ से मुझे बस जो है वो मुझे पिक करेगा। तो टाइम जो है 7:30 पे वो मुझे पिक करती है, तो इंशाल्लाह 5-10 मिनट में पहले वह उधर जाता हूँ ताकि टाइम लेट ना हो। ये देखो पेशावर के जो कॉर्नर है रोड साइड, माशाल्लाह पेशावर बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारा शहर है, इसलिए तो इसको पेशावर को पुलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि हर साइड पे आप लोगों को दरख्त पौधे ये पूल वगैरह आप लोगों को नज़र आएगा और बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल है। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेटेड सिटी है ना, इसलिए थोड़ा शोर होता है। और दूसरी बात, पब्लिक सुबह सवेरे जब मैं आता हूँ हॉस्टल से तो बहुत पुरसकून माहौल होता है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना ये बहुत पुरसकून होता है और नाइट टाइम जो होता है ना बहुत रश होता है, शोर शराबा होता है। तो बड़े शहरों में मॉर्निंग के टाइम पे बहुत सुकून होता है, बंदा बहुत रिलैक्स फील करता है, और दूसरी तरफ जब बंदा ग्राउंड में जाता है या कहीं रोड पे जा रहा होता है तो इर्द गिर्द गाड़ियों का शोर शराबा नहीं होता बल्कि परिंदों की चिचराहट होती है, बहुत दिल पे लगती है ना, बहुत अच्छा फील होता है। तो भी मैं जा रहा हूँ, बस कुछ ही फासले पर वेटिंग एरिया आएगा जहाँ पर मैं वेट करूँगा अपनी बस के लिए, तो फिर सीधा इंशाल्लाह वहाँ से निकलेंगे अपनी इंडस्ट्री की तरफ। तो आप लोग मेरे साथ रहना और वीडियो को एंजॉय करते रहना। आप अपने मौजूद हो अपनी वेटिंग एरिया पर, मैं वेट कर रहा हूँ बस के लिए, बस 2-3 मिनट रहते हैं इंशाल्लाह बस जाएगा। One hour later. और अभी हम इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, क्यों ऑफिस में बैठे, तो अभी हम फ्री है। अच्छा, तो फ्री टाइम में हम जो है स्टडी करते हैं, मेरे साथ मेरा दोस्त भी है और अभी फिलहाल फ्री है, तो जब फ्री होते हैं तो स्टडी करते हैं, जितने भी हमको प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नेट का भी बाकायदा हम यूज़ करते हैं, अभी फिलहाल हम स्टडी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इंडस्ट्री अगर मौका मिले तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे, ठीक है? ये वॉशिंग एरिया है फॉर इम्प्यूल्स मशीन, आप लोग देख सकते हो।
यहाँ पर इम्प्योर्स वगैरह वाल्स जो है उसको वॉश किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ चुके और अभी दोबारा हम अपने इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। दोबारा जो है हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, तो जा रहे हैं अपने इंडस्ट्री की तरफ। मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद है अब्दुल वाजिद खटक, ये भी मेरे साथ फार्मेसी कर रहा है गोमान यूनिवर्सिटी में, मेरा सेम बैचलर है। अभी आज खुश भी है और खफा भी है। खुश इसलिए कि क्योंकि हम फिर घर जा रहे हैं, अभी 40 डेज इंटर्नशिप हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है, तो आज हमारा लास्ट और आखिरी दिन है। और आज हमें इंडस्ट्री की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंटर्नशिप का। और दूसरी तरफ खफा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम जो है बहुत अच्छा गुजरा, और जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन है उनका हमारे साथ रवैया था वो बहुत अच्छा था, और यहाँ पर हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर हम सीख चुके और वक्त के साथ साथ और भी सीखेंगे, तो इसलिए जा रहे क्योंकि नेक्स्ट वीक पे हमारी यूनिवर्सिटी है वो भी ओपन हो जाएगी, जिसके लिए हम लोगों ने तैयारी भी करनी है, इसलिए यहाँ से जाना पड़ रहा है, वरना हमारा तो दिल यहाँ से नहीं कर रहा जाने को। क्योंकि यहाँ मेडिक्राफ्ट ने हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, ये बाहर साइड की व्यू है मेडिक्राफ्ट इंडस्ट्री की, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। यहाँ पर आप लोग आ सकते हो कुछ सीखने के लिए, अगर आप लोगों को अगर शौक है आप लोगों का इंडस्ट्री की साइड पे, तो आप लोग यहाँ पर विज़िट करो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं जितने भी स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों के लिए यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग भी यहाँ विज़िट करो मेडिक्राफ्ट यूनिवर्सिटी, आप लोग इंडस्ट्री देख सकते हो। कभी मैं अंदर जा रहा हूँ तो फिलहाल मैं वीडियो बंद करता हूँ क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से फिर मैं वीडियो को बंद करता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। अभी हम चेंजिंग रूम में आ चुके हैं, ये हमारा स्टाफ का चेंजिंग रूम है, यहाँ पर हम चेंजिंग करते हैं। ये हमारा लैब कोट है, फिलहाल यहाँ पर है, हम लोगों ने इसको हैंग किया है, अदरवाइज जब छुट्टी होती तो यहाँ पर रखते हैं कबर्ड के अंदर, तो अभी इसको पहनेंगे। ठीक है, अभी इसको पहनाया जा रहा है। अभी मेरे दोस्त की बारी है, वो भी इसको चेंज करेगा, इसको पहनाएगा, इसकी कलर सही करो। अब सही हो गया, अब सर्जिकल कैप पहनो, जल्दी करो। इसके बाद सीधे जाएंगे प्लांट मैनेजर से बात करेंगे अपने इंटर्नशिप के बारे में, वो हमसे इंटरव्यू भी लेगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहा इंडस्ट्री के हवाले से, और क्वेश्चंस भी करेगा कि क्या क्या सीखा आप लोगों ने। तो दुआ करो पब्लिक के क्वेश्चंस के, जो जितने भी वो क्वेश्चंस पूछे उसके जवाब हम आते हो, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ चीज़ें सीखा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अपना टाइम ज़ाया ना करो, जब आप लोगों के साथ अपना फ्री वक्त हो तो खामखा किसी जगह आप लोगों ना स्पेंड करो और अपने टाइम को कीमती बनाओ। तो अभी जा रहे हैं, ये रास्ता सीधा जाता है प्लांट मैनेजर के ऑफिस, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर बात होगी आप लोगों से। और अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, लंच का टाइम है, 1:40 पे खाने का टाइम होता है, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाएंगे। ये देख सकते हो ऊपर का माहौल, ऊपर से पूरा व्यू आप लोग को नज़र आएगा। ये प्लांट वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है, एसी लगी हुई है, बाकी प्लांट भी लगा हुआ है। तो खाना खाते फिर मैं दी। ठीक है, और हम लोगों ने खा ली और अभी पैसे जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे, तो बस कुछ भी टाइम रहता है, इंशाल्लाह जाएंगे सीधा अपने हॉस्टल से, इंशाल्लाह फिर सीधे जाएंगे अपने घर। और ये मेडिक्राफ्ट के इंटरनल व्यू आप देख सकते हो, माशाल्लाह दरख्त ही दरख्त, आप लोगों को छोटा सा बाग यहाँ पर नज़र आएगा, और जहाँ पर दरख्त ना वो जगह वीरान सी लगती है, तो माशाल्लाह यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। तो अभी हम खाना खा चुके हैं और फिर हम जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम रहता है, फिर हम यहाँ से फारे हो जाएंगे और सीधे जाएंगे अपने घर। ये है मेडिक्राफ्ट, ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, टॉप फार्मा में आती है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अच्छे तरीके से 40 दिन यहाँ पर गुजार चुके हैं।
और ये आप लोग जो देख सकते हो ये रॉ मटेरियल का स्टोर है। एक्सेपियंट्स इसमें रखी गई, ये शुगर है जो डेली इसमिल खान में जो चश्मा मिले उससे ऑर्डर करवाते हैं। और ये जो है डिस्पेंसिंग बूथ है, यहाँ पर जब कोई बिच की मैन्युफैक्चरिंग होती है या तैयार किया जाता है तो यहाँ पर उसकी डिस्पेंसिंग होती है। तो इसका दूसरा जो है एपीआई के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए अलग उसने स्टोर बनाए हुए हैं, तो इसके लिए एक अलग सा कमरा बनाया हुआ है, तो मैं उधर जा रहा हूँ। और अभी मैं मौजूद हूँ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जहाँ पर डिस्पेंस किया जा रहा है, ये वो स्टोर लगा हुआ है तो इसमें सारे जितने भी एक्टिव रखे गए होते हैं तो यहाँ पर इसके लिए अलग स्टोर बनाए हुए। इसके लिए जब इसकी डिस्पेंसिंग होती है ना, इसके लिए इन लोगों ने अपना डी ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ है अकॉर्डिंग टू बीपी। तो यहाँ पर इसके अपने वो है टेम्परेचर का अपना वैल्यू, और साथ में ह्यूमिडिटी लेस देन 40 होगी और साथ में टेम्परेचर जो है वो 25 तक होना चाहिए। अगर ये ना हो तो फिर इसके जो है ना एरिया आउट होगा, तो फिर इसकी डिस्पेंसिंग नहीं हो सकती। और इसका अलग जो है ना डिस्पेंसिंग बूथ है ताकि क्रॉस ओवर ना हो। आखिरकार हमारा 40 डेज इंटरसेप्ट कंप्लीट हो चुका है मुकम्मल तौर पर, और जितनी भी हमारी मसलियात थी, जो कंसर्न थी फार्मा जो मेडिकल फार्मा है, वो सारी अब ख़त्म हो गई मुकम्मल तौर पर। इंशाल्लाह फिर देखेंगे फ्यूचर में, अगर मौका मिला ज़रूर तो इंशाल्लाह विज़िट ज़रूर करेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा टाइम जो है वो सुबह 8 बजे से 5:30 तक होती है, तकरीबन 9 घंटे बनते, तो अभी फ्री हो चुके हैं और टाइम अभी देख सकते हो 6:17 हो चुके हैं, तो टाइम लगता है आने में, इसलिए थोड़ा लेट हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा, फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। माशाल्लाह इस वक्त भी बहुत प्यारा नज़ारा होता है, सारे लोग जो है वो असर के वक्त मतलब घूमते फिरते हैं ना, तो अभी आपका भाई जो है जा रहा है अपने हॉस्टल, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और फिर नहीं करती, ठीक है? फिर चाय वाय पीऊँगा। पब्लिक गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी मैं हॉस्टल में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर काली बिल्ली मुझे देखने को मिली है, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओए बिल्ली, ओए मत भागो यार, अरे प्यार से बात करो ना, रुको यहाँ पर बैठो, आपको मैं अपने पब्लिक से मिलवाता हूँ। ओए म्याऊं, हेलो, एक्सक्यूज़ मी यार, दोस्ती करो मेरे साथ, आ जाओ। ओए चलो आपस में प्यार से बात करते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ मेरी प्यारी सी किटू, आ जाओ ये ना बात, बस यहाँ पर बैठो, ज़्यादा करीबी ना हो, इतना प्यार भी आपसे मैं नहीं करना चाहता और ना मैं कर सकता हूँ आपके साथ। अच्छा इधर आ जाओ, हेलो, आप तो खफा हो गई, ओए एक्सक्यूज मी, ओए बिल्ली के बच्चे इधर आ जाओ, चलो। ओह नो, वो खफा हो गई। तो ये थी प्यारी सी छोटी सी काली सी बिल्ली, अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में काली बिल्ली नहीं देखी तो मेरी वीडियो में आप लोग ज़रूर देख लेना। अभी मैं मौजूद हूँ अपने हॉस्टल में, काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी जाने वालों पर बाहर चाय पियेंगे, थोड़ा अपने आप को मैं फ्रेश करता हूँ, पैर निकलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं कमरे में जा रहा हूँ, ठीक है, तो स्टूडियो पर चढ़ने की कोशिश में कर रहा हूँ। अल्लाह, सीधे सामने मेरा कमरा है 222। अभी मैं एंटर होने जा रहा हूँ, इसमें मेरा दोस्त भी है, सबसे पहले मैं नॉकिंग करने जा रहा हूँ। मैं कमी सर, तो मुझे इजाज़त मिली है, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। भाई भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो इधर, लाइट शाइट आपने आप की हुई है, क्यों क्या सीन है, इधर देखो भाई, हेलो हाई कर लो। तो ठीक है पब्लिक, फिलहाल मैं अपने आप को फ्रेश करता हूँ, फिर मिलते हैं। और हाँ पब्लिक, आपका भाई फ्रेश हो चुका है और असर का टाइम है, तो आराम भी नहीं किया है जिसकी वजह से थकावट फील हो रहा है, तो अभी दोस्त के साथ मौजूद हूँ,
बाहर निकल चुके इधर क्वेटा करीब में पास में होटल है, उधर चाय पियेंगे ताकि थोड़ा माइंड सेट हो जाए और थोड़ा सीनियर जो है ना हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ा स्टिमुलेट हो जाए। अभी जा रहे हैं इधर पास में, बस कुछ ही फासले पे होटल है, उधर हम चाय पियेंगे। तो रात के वक्त इंशाल्लाह हम लोगों ने कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग प्लानिंग किया है कि एक बड़े होटल पे जाए, वहाँ पर मतलब कौन हाँ दोस्त भी है वो भी आएगा। तो आज का प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि रात के वक्त कुछ किसी अच्छे होटल में जाएंगे, उधर खाना खाएंगे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और जिस होटल में हम चाय पीने जा रहे हैं वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी बहुत ज़्यादा रश है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब मैं उधर जाऊँगा उधर मैं वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैं थोड़ा साइड से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर फैन आते हैं, आप घेर लेते हैं पिक्चर बनाने के लिए। हाँ फिर फैन आते हैं, ऐसे तंग करते हैं, फिर टाइम हमारे पास वैसे भी बहुत कम होता है, फिर टाइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं वीडियो यहाँ से आप लोगों को बैक व्यू दिखाता हूँ। ये क्वेटा कैफे, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चाय मिलती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं क्लोज़ करता हूँ वीडियो को, फिर मिलते हैं। A few moments later. तो इसी के साथ आज ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी जाके लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।